मॉड्यूल वन हंड्रेड एंड नाइन्टी टू काजिज ऑफ साइक्लोथामिक डिसऑर्डर साइक्लॉजिकल रीजन सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लॉजिकल कॉजेज जिसके अंदर जो पहली चीज़ है दैट इज द इमोशनल डिसरेगुलेशन इमोशनल डिसरेगुलेशन के अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे एक इमोशनल रिएक्टिविटी की एक इफेक्ट इंस्टेबिलिटी की पहले हम बात करते हैं इमोशनल रिएक्टिविटी की जब हम इमोशनल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जिनको साइक्लोथमिक डिसऑर्डर होता है ऐसे बच्चे यूजुअली ओवर रिएक्ट करते हैं ओवर सर्टन सिचुएशन यानी वो सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती जिसके ऊपर इनका रिएक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है अब वो रिएक्शन जो है वो सैडनेस का भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा चेयरफुलनेस का भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है तो ये यूजुअली कहा जाता है कि जो इनकी इमोशनल रिएक्टिविटी होती है वो इनप्रपोशनेट होती है तो अगर आप एक बच्चे की जो रिएक्टिविटी है टू वर्ड द स्टिमुलस वो इन अप्रोप्रिएट है और वो एक्सटेंडेड है तो डेफिनेटली वो कॉज करेगी बहुत सारे अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज को तो इनके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने इमोशनल रिएक्टिविटी देखनी है अगर किसी बच्चे की इमोशनल रिएक्टिविटी मोर uh, इज uh, uh, है तो फिर आप ये कहोगे कि ये एक रीजन हो सकती है उसकी की। उसके बाद एफेक्ट इंस्टेबिलिटी एफेक्ट इंस्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि एक तो हम दो साइकिल्स की बात हैं कि एक में मूड लो हो रहा है एक में मूड हाई हो रहा है लेकिन इसके दरम्यान जो यू स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं बालेंस स्टेट है उस दौरान uh, जो साइक्लोथेमिक के चाइल्ड uh, चिल्ड्रन child, या अडोलस होते हैं उनमें देखा गया है कि जो उनका एफैक्ट है वो इनस्टेबल होता है क्यों क्योंकि या तो वो एक्सप्रेशन uh, दे रहे होते हैं डिप्रेशन एंड एनजाइटी के या वो दे रहे होते हैं यूथेमिया एंड एंगर के तो या यूथेमिया एंड डिप्रेशन के तो इस किस्म के जो उनका इनस्टेबल इफेक्ट है वो आपको रिवील हो रहा होता है ठीक है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो उनका एफेक्ट है अदर देन हाई एंड लो मूड स्विंग्स वो वैसे भी जो है वो इनस्टेबल होता है इसीलिए इनको टेम्परामेंटल भी कहा जाता है इसीलिए इनको इनकन्सटेंट भी कहा जाता है देन द अदर फैक्टर जो है वो सेपरेशन एन्जाइटी डिसऑर्डर है आ, आप ये समझ सकते हो कि जिन बच्चों को सेपरेशन एन्जाइटी होती है बचपन के अंदर बहुत तक हद तक चांसेस होते हैं कि वही बच्चे आगे जा कर साइक्लोथीमिया जो है वो डवेलप कर लें क्यों क्योंकि जो उनका स्ट्रेस का हैंडलिंग होती है वो दो दे ट्राई टू वर्क ओवर इट लेकिन जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं प्रॉब्लम्स होते हैं हो सकता है कि वो ओवरकम ना हुए हो और लेटर ऑन उन जो उनका मूड है आ, वो इनस्टेबल हो जाए और उनको आ, वो लोग जो हैं वो साइक्लोथीमिया को एक्सपीरियंस कर सकें देन स्ट्रेसर्स वी ऑल नो कि अगर पॉजिटिविटी जो है वो लाइफ में कम हो जाए अकॉर्डिंग टू बिहेवियर स्कूल ऑफ थाट तो फिर क्या होगा डेफिनेटली जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज करेगा अब ये कहा जाता है कि जो साइक्लोथीमिया जिन बच्चों को एक्सपीरियंस होता है उनकी लाइफ में अर्ली स्टेज में जो ट्रॉमा है वो एक्सपीरियंस हुआ होता experience हुआ होता है अब एक्सपीरियंस हुआ होता है डेफिनेटली ट्रॉमा जो है आ, वो हमने बात की थी कि अन नेचुरल डेथ्स हो सकती हैं लव वन की वो सेपरेशन हो सकती है पेरेंट्स की डाइवोर्स हो सकती है आ, वो एकेडमिक फेलियर्स हो सकते हैं तो इस किस्म के जो ट्रॉमास हैं जो अर्ली लाइफ में उसको फील हुए होते हैं या उसने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है जिसमें उसको किसी चीज़ का लॉस हुआ हुआ होता है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है जिससे जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस को इंटरनालाइज्ड कर लेते हैं और वो जो सिंबॉलिक लॉस ऑफ समथिंग है वो उनको प्रॉब्लम देता है तो इट इज़ सेट के साइक्लोथीमिया में जो ट्रॉमा है वो बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है उसके बाद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस अब आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस को आप इस तरह समझ सकते हो कि कुछ लाइफ की सिचुएशन ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं अब वो रुक जाती हैं किस तरीके से कि जैसे अगर पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है तो और बच्चा जो है वो सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है और उसमें उसको फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी हैं तो डेफिनेटली ये जो फाइनेंशियल हार्डशिप है ये लॉन्गर पीरियड है तो उसके दौरान अगर वो स्ट्रेस फील कर रहा है तो डेफ़िनेटली बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो साइक्लोथेमिया जो है वो डेवलप कर सकता है फिर हम एक और बात करते हैं कि अगर एक बच्चा है वो एथनिक माइनॉरिटी से रिलेट करता है आ, या वो ओबीस हो गया है और उसको अपनी आ, जो पीयर रिजेक्शन है उसको फेस करना पड़ रहा है और ये टाइम पीरियड भी प्रोलॉन्ग्ड हो गया है तो डेफिनेटली जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और जो उसका मूड है वो इफेक्ट हो सकता है क्योंकि जब उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी तो वो क्या करेगा वो उसे ओवरकम करने की कोशिश करेगा अपनी इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स को उसकी वजह से वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है वो इस किस्म का बिहेवियर एक्सप्रेस कर सकता है जिससे हमें ये लगेगा कि बेसिकली वो अपनी इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स को आ, आ, जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है या उसको रिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है सो वी नीड टू बी सी के आइदर कोई ट्रॉमा या कोई स्ट्रेस जो है वो तो ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं बन रहा साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर के क्लाइंट के अंदर सो दीज आर द ऑल साइकोलॉजिकल कॉजेज विच मे प्ले देयर रोल इन द इन साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। इसके साथ साथ एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर जेनेटिक फैक्टर भी है यानी उसकी फैमिली जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है uh, रन कर रहा है बाइपोलर डिसऑर्डर का तो आ, उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा इन्वायरमेंट भी है जो कि स्ट्रेसफुल है जैसे उसने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया या वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है और वो हार्डशिप जो है वो लाइफ की वो कंटिन्यूस वो फेस कर रहा है तो इट मे पॉसिबल कि ये दोनों फैक्टर इकट्ठे जो है नेचर और नर्चर जो है वो मिलकर रोल प्ले करें और साइक्लोथिनिया का ऑनसेट उस बच्चे के अंदर हो सकता है थैंक यू